हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी है कि CSIR का एक इंस्टीट्यूट है NIIST, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अक्सर अलग अलग वैकेंसीज अनाउंस होती रहती हैं, तो आज भी मैं कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। और ये हमारे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन के तरीके से तो होता ही है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो यहाँ पे आप सबसे पहला जो ऑप्शन है देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द टेम्पररी पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड टेक्निकल असिस्टेंट। और किस तरीके से आपको इसको व्यू करना है, तो यहाँ पे नीचे PDF फॉर्म दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो PDF डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा लिंक जो फॉर्म का है वो 27 से अवेलेबल हो चुका है। आज 29th है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 5:30 बजे शाम तक, शाम से ये अवेलेबल हो गया है 27/5/2024 को। और लास्ट डेट जो है इसकी वो 6 जून 2024 को शाम 5:30 बजे तक ये ओपन रहेगा। कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं, सबसे पहले तो देखिए सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन है, और यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या BE या BTEC है फूड टेक में, फूड इंजीनियरिंग में, फूड प्रोसेसिंग में या बायोलॉजिकल साइंसेज में भी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के साथ आपके पास अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 42,000 प्लस 18% HRA दिया जा रहा है। एज लिमिट जो है यहाँ पे 40 साल की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट डॉक्टरल डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अगर मतलब आपके पास डॉक्टरल डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखना है कि डॉक्टरल डिग्री में आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन। पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, ये एक पोजीशन है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BTEC, फूड टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के में आपकी मास्टर्स डिग्री है या बैचलर्स डिग्री है, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस के बारे में नहीं लिखा गया है। 25,000 रुपये प्लस 18% HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स दी गई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक पोजीशन है, दो पोजीशन है टू बी ट्रू, ये फिजिक्स की पोजीशन है, क्योंकि ये इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, इसीलिए यहाँ पे बायोलॉजी फिजिक्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है। फिजिक्स की पोजीशन पे 31,000 प्लस 18% HRA दिया जाएगा यहाँ पे। और अगर आपके पास कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो अगर नहीं किया है तो 25,000 रुपये प्लस 18% HRA के हिसाब से आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है, और यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स या 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। यहाँ पे 20,000 रुपये प्लस 18% HRA दिया जाएगा। 50 साल की एज लिमिट है। वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फर्दर प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर प्रोजेक्ट में पोजिशन आती हैं उसमें कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो पोजीशंस हैं ये टेम्प्ररी पोजीशंस हैं, और प्रोजेक्ट जैसे ख़त्म होगा तो ये पोजीशंस जो हैं टर्मिनेट कर जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपको कहीं जाना नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, ऑनलाइन इंटरव्यू है। तो आपका जो टाइम है और जो मॉनिटरी जो लॉस होता है अगर आप जाते हैं कहीं, तो फिर वो नहीं होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू आपको बस देना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ कि अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है NIIST.RES.IN अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर / टेम्प्रेरी पोजीशंस पे जा करके आपको अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट पे जा करके एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। मैं दिखा भी देता हूँ अभी आपको, ये यहाँ पे आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ओपन होकर के आ गया, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी होगी। तो ये तरीका है आपको अप्लाई करने का, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही लास्ट डेट बता रखी है आपको, वो ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी CGPA, SGPA या किस इस टाइप की ग्रेड्स वगैरह देती है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको परसेंटेज में,
बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एज पर द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जब आप फॉर्म इसका भर रहे होंगे तो आपको जो परसेंटेज में आपने मार्क्स देने होंगे तो आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है नॉर्म उसके हिसाब से आपको भरना होगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज में हैं या फूड साइंस में हैं या अगर आप फिजिक्स में भी हैं तब भी अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच कर रही होगी तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।